पुरानी रंजिश के चलते बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में एक आड़ती सहित तीन लोगों को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आड़ती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। आड़ती हेम सिंह के अनुसार बल्लभगढ़ सब्जी मंडी स्थित उनकी दुकान पर आज सुबह करीब 6 बजे 4-5 बदमाश आए और सरेआम गोलियां फायर कर फरार हो गए। इसी दौरान सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने आया किसान और एक पल्लेदार भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल हेम सिंह ने बताया कि जमीन को लेकर पहले भी उनकी हत्या का मामला कोर्ट में चला हुआ है, इसी के चलते आज उन पर यह हमला हुआ है। मंडी आज अपने आड़त पे आए 5-4 लड़का, दोन पे कट्टा है, दोन पे चक्कू वगैरह छोटा डाल वगैरह दो तीन पे आके मेरी गोली सीधी मारी। मैंने बचाव करो तो मेरे सिर में मारी, सिर से मैं बचाव करो हमारी करी, फिर हाथ पैर में मार कर भाग गई 4-5 लोग। वहीं सब्जी मंडी के प्रधान सतपाल सिंह ने बताया कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते बदमाशों के हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो बल्लभगढ़ सब्जी मंडी बंद कर सभी आड़ती धरने पर बैठ जाएंगे। सुबह सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि सब्जी मंडी में गोली चल रही है, तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे और उनको एडमिट कराया। ऊंचा गांव का रहने वाला है हेमंत, जिसको गोली लग रही है हाथ में, और उसके दो और कर्मचारी हैं जो घायल हुए हैं, उनके बयान ले लिए हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। सर दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ की मंडी में, जहां पर सुबह के समय कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा आड़ती में गोली चलाने का जो मामला था, वहीं कहीं तो आड़ती में कहीं ना कहीं भय का जो माहौल है आड़ती में बना हुआ है। हमारे साथ आड़ती हैं आप कुछ प्रधान हैं, उनसे जानिए क्या था सर, क्या था गोली चलने क्या था मामला है। आज सुबह करीब 6 बजे करीब यहाँ पे 3-4 लोग बदमाश टाइप के लोग हथियार लेके आए और यहाँ पे हेम सिंह जिसकी आड़त है जिसको गोली चलाई है, अपना बेटा माल बेच रहा था, आते उसके कलेक्टर में बंदूक लगाई और मारने की कोशिश करी। उसने जैसे अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके कलेक्टर से गोली चल के निकल गई, चोट सर में भी लगी है और हाथ में उसके में उल्टे में गोली लगी है। देखो जो पुरानी रंजिश थी उनकी आपस में ग्राम की रंजिश थी, उसी के आप कोई तो कह रहा है उसी चक्कर में लगे, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, अब पुलिस इसमें इंक्वायरी कर रही है अपनी। तो सरेआम मंडी के अंदर गोली मारने ये बहुत गलत है, इस तरह से भय का माहौल बनाना व्यापारियों में, ये एक मतलब गुंडा कर दी एक तरह से। सरेआम पुलिस की बात की जाए, मंडी में सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, क्या पुलिस ने कोई मदद वहाँ तक फुटेज वगैरह नहीं पाई? अभी तक कोई फुटेज नहीं है, पुलिस आई थी पूछताछ करके चली गई है, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में क्या हुआ। आपको बता दीजिए 115 जो आड़त हैं ये वही हैं जिनको गोली लगी है, और उसके बाहर जो हमारे साथ उनसे जानिए क्या था, क्या नाम है आपका? हेतराम जी, क्या मामला था, गोली चली है सुबह क्या? भाई जी मामले की तो देखो दोनों पार्टियों का, तो जिन्होंने हमला किया है कि मालिक को पता कि सुबह यहाँ पे किसान बैठे हैं और ये हेम सिंह आया है 5:30 बजे 5:45 बजे शिकायत, तो किसानों के दौरे बैठा है, चाय पानी पी रहा है, हम पड़ोस में बैठे हैं, हमने भी कोई ऐसा उन्होंने पर ऐसे इस पाल जाकर बैठा, सब बैठे, तो वो हमलावर आया है, लंका भक्ता आया है। गोली की बात करें तो कितने लोगों को गोली लगी है, कौन कौन जख्मी है? देखो वो हेम सिंह के गोली लगी है और एक जमींदार के लगी है, प्रदीप है गाँव सुनपेड़ का है, एक पल्लेदार है। कितने राउंड फायरिंग हुआ, राउंड के वगैरह? 5-6 राउंड गोली की बात की जाए तो अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो क्या मंडी में सरेआम इस प्रकार की जो वारदात हुई है, प्रशासन की तरफ से प्रशासन का गुंडों बदमाशों को कोई खौफ नहीं, कोई हाजी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, गुंडागर्दी सरेआम इस तरह की। तो क्या इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात? 6-7 कई दफे हो चुकी थी, कई दफे। तो क्या पुलिस की तरफ से कोई सावधानी यहाँ पर की नहीं जाती? कुछ नहीं है, पुलिस बाहर में आती है और फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती है। इस प्रकार का बह आरतियों के अंदर आरती डरे हुए जिसे आरती थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस प्रकार जो वारदात सरेआम मंडी के अंदर हुई है वो अपने आप में एक सवाल उठाती है। काफ़ी पुलिस की अगर बात की जाए तो गश्त पुलिस यहाँ करती है और सुबह के समय जो गोली लगी है उसकी वारदात
काफ़ी जो चौंका देने वाली है। फरीदाबाद से वी न्यूज़ चैनल के लिए मनोज सूर्यवंशी।